नमस्कार, मैं संदीप कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज। यही अचीर कुंडा का शहीद चौक है, यही पे बात कर रहा था, 400 पार होगा कि नहीं। और हमारे साथ में मौजूद हैं धनबाद जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि अगर 400 पार होगा तो क्यों होगा, ऐसा क्या बात है, क्यों 400 पार होगा, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ सर, 400 पार क्या कुछ कहेंगे? 400 पार तो 400 पार राष्ट्र निर्माण के लिए होगा। क्या राष्ट्र निर्माण के लिए? तो राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए तो 400 पार होगा ही ना। और 400 पार नहीं होगा तो फिर पूर्व की स्थिति है, इसलिए 400 पार करना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, चिरकुंडा शहर है तो चिरकुंडा शहर का लोग का तो हर समय इच्छा है। देखिए हमारे संजय भाई आ गए, 400 पार होगा। आप क्या कहेंगे, 400 पार होगा? एकदम 400 पार होना है। अगर 400 पार नहीं होगा तो हम लोगों का ये दुर्भाग्य है। ऐसा प्रधानमंत्री न हुआ था, न आगे आने वाला होगा। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी पप्पू है, उसको बोलने आता है, कहाँ क्या बोलना चाहिए उसको भाषा की जानकारी है, उसको बुद्धि विवेक है। एक देव पुरुष को अपशब्द बोलता है, पप्पू है, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है कि हम अस्तित्व में रहे, कि हमारा सब जो है इंडिया तो भारत जोड़ो आंदोलन किए थे अभी, उसी के लिए कर रहे हैं। वो भारत जो ये सब जो भारत जोड़ो आंदोलन है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपना मान प्रतिष्ठा इंडिया में रहने के लिए बचाने के लिए, कि हम अस्थिर रहे। अब वो सब छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे तो उनको भी तो समस्या में पड़ जाएंगे ना। जितना इटली में रुपया भेजे हैं उस सबको अस्थिर रखने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो उनको भी परेशानी आ जाएगी। और पप्पू से देश चलेगा, इतना बड़ा भारत देश हमारा, पप्पू से देश चलेगा जी। मतलब एक बार फिर 10 साल में कहीं बम ब्लास्ट हुआ है? कहीं हिंदुस्तान के किसी शहर में 10 साल में बम ब्लास्ट हुआ है? और उसका पहले मुंबई में 400 पार। हाँ, 400 पार तो क्या 400 पार करेगा? हाँ, भाइयों का कहना है कि इस बार 400 पार, क्या 400 पार होगा? इस बार 400 नहीं पार होगा, लेकिन आशा है जो मोदी पार हो जाएगा। प्रधानमंत्री रेलवे में सीनियर सिटीजन लोगों को पैसा खा गया यार। हमको तो लगता है कि 400 पार नहीं, लेकिन मोदी जरूर पार हो जाएगा। क्या नाम होता है? धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेगा सर, कुछ विशेष बताइए। देखिए, झारखंड प्रदेश में और पूरे देश में, अपना पूरा जो अखंड भारत, अभी भाई साहब बोल रहे थे ना 400 पार क्यों, और पप्पू जी, तो 400 पार इसलिए कि अखंड भारत के लिए, फिर कभी दोबारा देश का विभाजन नहीं हो, देश में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा हो। आज उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कोई खोखता है, इधर अगर किसी बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर जमराज इंतजार करता है, उधर ठोक देता है। तो इसलिए पूरे देश में योगी जी का मॉडल कि अगर इधर छेड़ोगे तो जेसीबी तेरे घर पर पहुंचेगा। तो राहुल गांधी क्यों नहीं? अरे भाई देखिए, राहुल गांधी किस लिए? कांग्रेस आई ने देश को बराबर तोड़ा है। कांग्रेस आई का इतिहास है, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, अभी तो भारत जोड़ो चल रहा है। भारत जोड़ो क्या है, वही तोड़ने के लिए कि फिर नया कोई एक टुकड़ा बनाएगा क्या? इसलिए नहीं ना, ये भारत जोड़ो उनका वही है कि जोड़ो का नारा और तोड़ो। इसलिए देखिए, विकसित भारत बनाने के लिए, सभी को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, सभी को हर किस्म की सुविधा, आज फ्री में स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, गैस चूल्हा मिला, गैस चूल्हा की सब्सिडी मिलती है, गैस मिलता है, अनाज मिलता है, लोग गर्व से लेने जाते हैं, हर महीने कोरोना का फ्री वैक्सीन मिला, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो 500 सालों का संघर्ष का परिणाम रहा, वो 500 सालों के संघर्ष के परिणाम में प्रभु श्री रामचंद्र जी का गृह प्रवेश हुआ, प्रधानमंत्री आवास में करोड़ों लोगों का पक्का का छत मिला। लेकिन सर, यहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन का जो रेलवे में सुविधा था उसे बंद कर दिए, क्या? देखिए, अब ये बंद है कि नहीं है, कोरोना काल में बंद हुआ था, कोरोना काल में कुछ ट्रेनें भी ऐसे हुई थी, सुधार हो रहा है, तो विकसित भारत का वो भी एक पार्ट है। अगर आप सब्सिडी नहीं लेंगे, फ्री में बिजली नहीं मांगेंगे, तो आप कभी 4 लेन देखे थे कि चिरकुंडा चौक है,
त्रिकुंडा चौक से धनबाद जाने में अनेकों बार गाड़ी का एक टूट जाता था, टेकर चलता था, हम लोग तो देखे थे। आज है क्या? आज 4 लेन है, 8 लेन है, लाइट है। देखिए अब जाकर देखिए नीचे में बराकर नदी के तट पर धनबाद लोकसभा का चिरकुंडा है। बराकर में हजारों लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास दिया। और देखिए जो धनबाद के प्रत्याशी हैं ढुल्लू महतो जी ना, ढुल्लू महतो जी सही में टाइगर है। अब टाइगर कैसे है समझिएगा, वो दबे कुचले वंचित समाज की आवाज है। उन्होंने प्रभु श्री राम का चिताही धाम कोयला नगरी में भव्य मंदिर का स्थापना की, उसके साथ साथ अनेक लोगों का आवाज बनने का। अगर कोई किसी को दबाता है, सताता है और प्रशासन अगर उसका नहीं सुनता है और वह व्यक्ति अगर ढुल्लू महतो जी के पास जाता है तो ढुल्लू महतो जी उसका आवाज बनने का काम करते हैं। और उनकी आवाज में यह धमक है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी उस दबे कुचले वंचित समाज के व्यक्ति का काम करने का कार्य करते हैं, इसलिए वो टाइगर। मतलब इस बार 400 पार। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।